हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ पुणे की फेमस कुल्हड़ वाली चाय। तो देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी होता है और आराम से आप अपने घर में इतने टेस्टी चाय बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, 2 इस चाय के लिए मैं ये ले रही हूँ कूलर, और ये मिट्टी का जो बर्तन रखता है उसके पास ही आसानी से मिल जाएगा आपको। इधर मैं कर रही हूँ गैस को ऑन और चढ़ा दे रही हूँ इसे गर्म होने के लिए। तो ये दूध उबल गया है, तो इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ चाय पत्ती। 2 कप दूध है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 2.25 चम्मच चाय पत्ती। और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। यह है पुणे की फेमस चाय, पुणे की चाय घर में बनाए बहुत ही आसान विधि से, तंदूरी चाय है ये। इस कुल्हर को भी मैं बीच बीच में पलटते रहूंगी। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी, तो चीनी आप जितना ले, जितना आपको मीठा पसंद है। मैं इसमें 1.25 चम्मच भी चीनी भी डाल दे रही हूँ, और इसी के साथ मैं डाल दे रही हूँ ये अदरक, और इसको भी मैं पलटते जा रही हूँ। और इस कूलर को मैं मार्केट से ला करके और पानी से अच्छे से धोकर धूप में सुखा के रख ली थी। और इस कूलर को जितना गर्म करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और मेरी आवाज़ भी आज कुछ चेंज आपको लगेगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तैयार हो गया है, तो मैं इसे अब छान ले रही हूँ। अच्छे से गर्म हो गया है, इसको अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से करें। और इसे थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ देंगे।
जब आप कुल्हड़ वाली चाय तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही टेस्टी चाय होता है तंदूरी चाय, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा।